स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेल स्टॉक को लेके। गेल के बारे में कुछ अपडेट्स आया है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होना चाहिए, मतलब हो सकता है गेल्स के स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े दिग्गजों ने भी कुछ यहाँ पे अपडेट दिया है, उसके चलते गेल में जो है आगे देखेंगे क्या हो सकता है। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि गेल में जो है स्टॉक का प्राइस में क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 6 महीना पहले से, तो 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 96.95 पैसे के आसपास चल रहा था, और 6 महीने के अंदर भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो हम लोग जरूर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंजल बुकिंग या फिर आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हम लोगों ने स्टॉक स्टडी के नाम से, उसका भी लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वो भी एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात है। तो गेल ऐसा एक स्टॉक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक में जो है शानदार एक मजबूती दिखाया है, और स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिला है, अच्छा स्टॉक में जो है एक रिटर्न भी दिया है। तो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी जो कुछ दिन पहले भी जो है अपडेट शेयर किया था, उन लोगों का क्या मानना है वो भी हम लोगों ने दिखाया था आपके साथ। तो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 96.95 पैसे चल रहा था, 6 महीने के अंदर 42% के आसपास रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 125.25 पैसा, एंड 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 11.50% का। 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 134.45 पैसा, ऑन 5 डेज के अंदर यहाँ पे रिटर्न देखने को स्टॉक में मिल रहा है 3.61% का। आज जो है स्टॉक में थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी ने स्टॉक लेके रखा है गेल का, तो उनको क्या करना चाहिए आगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आज का हम लोग एक दिन का देखते हैं ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ओपन हुआ था 144.45 पैसे में, हाई प्राइस दिया 146.20 पैसे का, एंड लो प्राइस दिया है 136.55 पैसे का। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग एक बार यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल के आया है गेल के बारे में, गेल स्टॉक के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी गेल टुडे अनाउंस्ड शेयर बायबैक ऑफ 6,97,56,641 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each representing 1.55% of the total number of fully paid up equity shares in the paid up share capital of the company at a price of 150 for an aggregate consideration of ₹1,046.35 crore। तो यहाँ पे जो है गेल के बारे में आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे बताया था कि गेल जो है बहुत ही जल्दी बाई बैक लाने वाला है, तो उसका ही जो यहाँ पे अपडेट आ गया है बाई पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी गेल टूडे अनाउंस्ड शेयर बायबैक। तो गेल से जो आज ये अनाउंस हो चुका है शेयर बायबैक, ये बहुत बड़ा एक अपडेट है। तो यहाँ पे जो है आगे देखेंगे तो एक स्टॉक का जो इन लोगों ने बताया 150 के आसपास ये लोग जो है बायबैक में लाए हैं, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है गेल के बारे में दोस्तों। इसके चलते यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स है यही बायबैक को लेकर, बट फिलहाल हम लोग को लगता है कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा एक अपडेट है जिसने भी गेल का स्टॉक लिया है या फिर लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बायबैक का इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है 10 रखा है, एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आप देख सकते हैं 6,97,56,641 के आसपास दिया गया है, एंड पर शेयर अगर बात करते हैं एट ए प्राइस ऑफ 150, तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा अपडेट है गेल को लेके। उसी के चलते 2 दिन पहले भी एक गेल का अपडेट आया था, एक दो दिन पहले भी एक गेल का अपडेट आया था, माफ कीजिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल जो है एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, मोतीलाल ओसवाल हैज बाई कॉल ऑन गेल इंडिया विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹160, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ गेल इज 142.45। तो मोतीलाल ओसवाल जो है एक बहुत बड़ा ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म है, उन लोगों से ये अपडेट आया था कुछ दिन पहले, जहां पे मोतीलाल ओसवाल ने बाई कॉल दिया है गेल स्टॉक को लेकर, और टारगेट प्राइस दिया है ₹160 का। तो ₹160 को हम लोगों ने देखा अभी बैक में जो प्राइस रखा गया है वो है 150 पर शेयर का। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल से भी जो है एक अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया गया है गेल को लेके। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं गेल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, गेल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर ऑफ 1984 इज अ लार्ज कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग इन गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। तो गेल जो है बहुत ही पुराना कंपनी है, और इसके पहले भी हम लोग ने बताया अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी गेल को लेते तो भी हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट
बट अभी यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग बटेगा, जैसे कि अगर किसी ने स्टॉक खरीदा गेल का तो अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप गेल का शेयर रखे हैं तो बायबैक में जरूर एक बार देख सकते हैं अगर आप उसमें जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो दिग्गजों का मानना है, आप देख सकते हैं 160 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। बट फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग एक टारगेट प्राइस रखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी स्टॉक लिया है, स्टॉक का प्राइस 139 के आसपास चल रहा है, तो अगर आपने अभी स्टॉक लिया है तो 148 से लेके 150 के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो। और अगर आपने स्टॉक लेके रखा है, होल्ड करना चाहते तो भी जरूर होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, जो भी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं हम लोग कोई भी स्टॉक के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू है। रिक्वेस्ट करेंगे खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, जो भी हम लोग टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं, जरूरी नहीं कि उसे टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के लिए आपको स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ही था कि गेल को लेके जो अपडेट आया है छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।